हालेलुया। जय मसीह की एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुल्ला जी के द्वारा लिखा गया हमारा आज का पवित्र वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन। जैसे यहूना 6 अध्याय उसकी 53 आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लहू में प्राण होता है। बाइबल में लिखा है कि आखिरी समय, जब प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाया जाना था और पकड़वाया जाना था, उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया। उसने दाखरस का प्याला लिया और कहा, इसे लो, यह मेरी वाचा का वो लहू है जो आपके पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। इसलिए आज जब आप प्रभु भोज में लहू को लेते हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह जी के जीवन को लेते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए जब आज आप प्रभु का लहू लेते हो, तब आपको पता होता है कि यह परमेश्वर का लहू है। इसमें एक जीवन है जो प्रभु के शरीर में था और आज वो मेरे शरीर में जा रहा है। यह सामीन, पुराने नियम में जब दो भाई सेना में लड़ाई पर जाने से पहले लहू से वाचा बांधते थे कि अगर मैं मर गया तो तू मेरे परिवार को संभालेगा, अगर तू पहले मर गया तो मैं तेरे परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों अपनी कलाई काट के उस खून को कलाइयों पर रगड़ कर यह वाचा बांधते थे कि तेरा लहू मेरे अंदर चला गया है और मेरा लहू तेरे अंदर चला गया है। अब हम वाचा के भाई हैं और अगर कोई इस वाचा को तोड़ेगा तो वह श्रापित होगा। परमेश्वर ने जब नूह के साथ वाचा बांधी थी कि जब बारिश के बाद बादल आएंगे तो एक सतरंगी पिंग ठहराऊंगा, यह मेरा आपसे वादा होगा कि मैं दोबारा से कभी पृथ्वी पर पोलो नहीं भेजूंगा जो मैंने नूह के समय भेजी थी। पता है यह वादा कब हुआ था? जब नूह ने लहू बहाया था, जब उसने बलि दी थी, अब्राहम ने परमेश्वर को कुर्बानी दी थी, याकूब ने जब अपने मामा लबान के साथ वाचा बांधी थी तो उससे पहले लहू बहाया था। जब परमेश्वर ने मिस्र देश में मौत को भेजा तो उन इसराइलियों के घरों के बाहर लहू लगा था। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह का लहू लेते हैं तो उसका जीवन आपके अंदर जाता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस के प्याले को लिया और कहा, यह मेरा लहू है। आज भी जब हम जूस को लेते हैं तो बोलते हैं कि यह तेरा लहू हम ले रहे हैं। आज भी जब हम रोटी को लेते हैं तो बोलते हैं, यह परमेश्वर की देह है और इसको खाएगा जो इसको पिएगा वो परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर का जीवन उसमें बना रहेगा। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर का जीवन होता है उसमें पाप दाखिल नहीं हो सकता। परमेश्वर कहते हैं कि इस संसार के जैसे न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि जब हम आपका लहू और आपके देह को लें तो आपका जीवन हमारे अंदर जाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन।